राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने आपको जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन कराया था, उसके बाद वापस से आपका एक डिमांड आया कि सर क्वेश्चन नंबर 2B जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, पेज नंबर 6 पे, मई 22 में एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2B पेज नंबर 6 सेम क्वेश्चन सर आपने कराया था, क्वेश्चन नंबर 42 एंड पेज नंबर 105, और ये आपका है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एक प्रोफेसर का स्टैंडर्ड बताएगा कि उसका स्टैंडर्ड क्या है कॉस्टिंग के अंदर। ओके, एंड इट्स माय ओपन चैलेंज, जिसकी मर्जी हो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में, जिसकी मर्जी हो इस क्वेश्चन पर मेरे से डिबेट कर ले। दानी की कॉस्टिंग रजिस्टर्ड हुआ है, आपको मालूम होगा दानी की कॉस्टिंग को मैंने रजिस्टर्ड कराया है, ट्रेडमार्क लिया है, तो दानी की कॉस्टिंग ऐसे ही नहीं बना। सॉरी, आई वॉज बिजी इन कॉपरगेट लाइक, तो लोगों को ये लगने लग गया कि नहीं कॉस्टिंग में वो बादशाह हो गए। अगर उनमें हिम्मत है किसी में भी, तो ये मेरा ओपन चैलेंज है कि मेरे से आके डिस्कस कर ले ये क्वेश्चन, बराबर। ये क्वेश्चन पे आई कैन गिव द ओपन चैलेंज कि आप आइए और डिस्कस करिए। ओके, कंसेप्चुअली आप क्वेश्चन को समझिए, जरा कंसेप्ट पे मुझे डिस्कशन करना है। अगर मेरा कंसेप्ट कोई रॉन्ग बोल दे तो आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा करके ना, आप बोलेंगे पढ़ाना छोड़ दूंगा। दिस माई ओपन चैलेंज। ओके, अब मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, और अगर आप कुछ भी एजम्पशन मार के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो वो नहीं, मैं पूरा लॉजिकली सीक्वेंस में, पूरा लॉजिक से जाके सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2B मेरा ओपन चैलेंज है, आप आइए मेरे साथ कंसेप्ट पे डिस्कस करिए, किसी भी कॉस्टिंग के धुरेंद्र को लेके आइए मेरे सामने, और आप मेरे सामने बिठाइए और अपन डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो कुछ है फ्रेंड्स, आप लोगों की वजह से आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डूइंग माई बिजनेस कंसल्टेंसी वॉट एवर, वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन जब बात किसी कंसेप्ट पे आती है तो क्या होता है वो जरा आप देख लीजिए। वन ऑफ माई फेवरेट, ये मैंने सेम सम आपको क्लास में भी कराया था, बच्चों को उस टाइम पे भी बहुत मुझे मगजमारी करनी पड़ती है, लेकिन ये वापस एग्जाम में भी पूछ लिया है, तो मैं आपको वापस से ये करवाता हूँ। देखो जरा, ओके फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है। ओरल लिमिटेड इज एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। द एरिया इज डिवाइडेड इन 4 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ईच जोन हैज जोनल सेल्स हेड। द कंपनी फिक्सेस एनुअल सेल्स टारगेट फॉर जोनल हेड्स। द कॉस्ट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड ड्यूरिंग 2021 इज एज अंडर। ये आपको कॉस्ट दे रखा है, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का एंड साउथ का, ठीक है, ईस्ट का, और यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर है, ये साउथ नहीं है, ये वेस्ट है। द जोनल सेल्स मैनेजर आर पेड कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स मेड बाई देम ड्यूरिंग 2021। द सेल्स कमीशन पेड फॉर ईच जोन इज एज अंडर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द समरी ऑफ वेरियंसेस कैलकुलेटेड फॉर ईच जोन आर एज अंडर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सेल्स प्राइस वेरियंस है, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस है, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस है। द कंपनी वॉन्ट्स टू अवार्ड एंड इंसेंटिव टू द बेस्ट परफॉर्मर अमंग ऑल द जोनल सेल्स मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न टू द कंपनी, अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट एंड सेल्स मार्जिन अचीव्ड अगेंस्ट टारगेट मार्जिन रिक्वायर्ड। ए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न इन केस ऑफ ईच ऑफ द जोनल सेल्स मैनेजर। पहले आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड, इसका मतलब आपको बजटेड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स आपका निकाल के देना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न्ड इन केस ऑफ ईच सेल्स मैनेजर। देखिए जरा फ्रेंड्स, पहला आपने से क्या पूछा है, इट मीन्स स्टेटमेंट showing sales target fixed, sales
टारगेट टेक्स्ट, इट मींस योर स्टैंडर्ड और बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स. ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां पे प्रिंटिंग एरर है, उसको आप जरा जरा देख लीजिए. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ऑलराइट, अब ये हमारा हो जाएगा. वेरियंस, ठीक है. नो फॉर्मूला, हम लोग जैसे डीकेसी वाले नो फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, नो फॉर्मूला. एक आपको दे रखा है सेल्स प्राइस वेरियंस, एक आपको दे रखा है सेल्स वॉल्यूम वेरियंस. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, उसको आप ले लीजिए. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अभी आपको वेरियंसेस दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपको वेरियंसेस दे रखे हैं. सेल्स प्राइस वेरियंस 40,000 फेवरेबल, 60,000 एडवर्स, 50,000 एडवर्स एंड 20,000 एडवर्स. सेल्स वॉल्यूम 60,000 एडवर्स, 2,60,000 फेवरेबल, 1,50,000 फेवरेबल एंड 80,000 फेवरेबल. इट मीन्स 40,000 फेवरेबल, 60,000 एडवर्स मिलके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20,000 एडवर्स. 60 प्लस 60,000 एडवर्स 260 फेवरेबल, इट मींस 2,00,000 फेवरेबल, याद आ रहा है. 50,000 एडवर्स इट मींस 1,00,000 फेवरेबल, 20,000 एडवर्स 60 इट मींस 60,000 फेवरेबल. सही है, सुनो. 40,000 फेवरेबल है सेल्स का वॉल्यूम. सेल्स के दो वेरियंस होते हैं, एक होता है आपका बोलो प्राइस वेरियंस, ओके, और दूसरा आपका रहता है वॉल्यूम वेरियंस. सेल्स का प्राइस वेरियंस आपको दे रखा 40,000 फेवरेबल, वॉल्यूम दे रखा 60,000 एडवर्स, इट मीन्स 20,000 एडवर्स. 60,000 आपका प्राइस वेरियंस एडवर्स है, 260 फेवरेबल है, इट मीन्स 2,00,000 फेवरेबल, 150 फेवरेबल है, 50,000 एडवर्स है, इट मीन्स 1,00,000 फेवरेबल, 80,000 फेवरेबल है, 20,000 एडवर्स है, इट मीन्स दिस. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, योर आपके पास नहीं है तो एक्चुअल सेल्स अपन निकाल सकते हैं. द जोनल सेल्स मैनेजर आर पेड कमीशन 10% ऑन सेल्स मेड बाय देम ड्यूरिंग 2021. द सेल्स कमीशन पेड फॉर ईच जोन इज एज अंडर, इट मीन्स फ्रेंड्स दिस इज योर कमीशन आपका कमीशन है विच इज 10%
अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक्चुअल सेल्स। सही है, सुनो फ्रेंड्स, इट मींस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इट मींस रिलैक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, 3 लैक्स, 2,90,000, 10%, 100, 10%, 100, 3,10,000, 10, 100, 2,40,000, 10, 100. It means 30 lakhs, 29 lakhs, 31 lakhs and 24 lakhs. सही है सुनो फ्रेंड्स, आपने क्या कमीशन दिया है, द जोनल सेल्स मैनेजर आर पेड कमीशन 10% ऑन सेल्स मेड बाय देम ड्यूरिंग 2021, सेल्स कमीशन पेड फॉर ईच जोन इज एज अंडर, नॉर्थ, नॉर्थ में कितना दिया है 3 लाख कमीशन, साउथ में कितना दिया है 2,90,000, देन 3,10,000 एंड 2 लाख, इट मीन 30 लाख का 10%, 3 लाख, 29 लाख का 10%, 290, 31 लाख का 10%, 310 एंड 24 लाख का, इट मीन्स आपका बज, ये आपका आ गया एक्चुअल सेल्स, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बोलो एक्चुअल सेल्स, इट मींस योर एक्चुअल सेल्स इज 30 लैक्स, 29 लैक्स, 31 लैक, 24 लाख, इट मीन्स 30, 29, 30, 29, 31, 24, ऑलराइट फ्रेंड्स, व्हाट इज योर एक्चुअल कमीशन इज 3 लाख विच इज 10% ऑफ द एक्चुअल सेल्स, 2,90,000, 10% of actual sales, 3,10,000, 10%, and 2,40,000, it means this. So, this will be your, it means, आप बोल रहे हो कि 30 lakhs आपका actual sales है, and overall आप बोल रहे हो कि मेरे को 20,000 का loss है, sales में variance है. इसका मतलब आपने sales सोचा होगा, 30 lakh 20,000. Pure logic, no formula, friends, no formula, pure logic. आपका एक्चुअल में आपने सेल्स किया है 30 लैक्स, एक्चुअल में आपने सेल्स कितना किया है 30 लैक्स, एक्चुअल में आपने सेल्स किया है 30 लैक्स और आप बोल रहे हो कि मुझे 20,000 का लॉस हुआ है, इसका मतलब आपने सोचा कितना होगा 30 लैक 20,000, 2 लैक का आपको प्रॉफिट हुआ है और एक्चुअल में सेल्स आप बोल रहे हो 29 लैक, इसका मतलब आपने सेल्स सोचा होगा 27 लैक्स, 1 लैक का प्रॉफिट है, इसका मतलब सेल आपने सोचा होगा 30 लैक्स, 24 है और 60,000 फेवरेबल है, इसका मतलब 23,40,000. सही है, सुनो, आई रिपीट फ्रेंड्स, आई रिपीट क्या क्या आपने से पूछ रहा है, ओके, आई रिपीट, ओरल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द एरिया इज डिवाइडेड इन 4 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईच जोन सेल्स हैज जोनल सेल्स हेड, द कंपनी फिक्सेस एनुअल सेल्स टारगेट फॉर द जोनल हेड्स, द कॉस्ट ऑफ दिस सेल्स टारगेट फिक्स्ड ड्यूरिंग 2021 इज एज अंडर, आपका जो कॉस्ट है, जो आपने सेल्स टारगेट फिक्स किया था उसका कॉस्ट है, नॉर्थ
25 lakhs, south 22 lakhs, east 26 lakhs 50,000 और south 20 lakhs. द जोनल सेल्स मैनेजर आर पेड कमीशन 10% ऑफ द सेल्स मेड बाई देम ड्यूरिंग 2021. द सेल्स कमीशन पेड फॉर ईच जोन सेल्स इज एज अंडर. द समरी ऑफ वेरियंसेज कैलकुलेट फॉर ईच जोन आर एज अंडर. द कंपनी वॉन्ट्स टू अवॉर्ड एन इंसेंटिव टू द बेस्ट परफॉर्मेंस अमंग ऑल द जोनल मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न्ड अचीवमेंट ऑफ द सेल्स टारगेट सेल्स मार्जिन अचीव्ड अगेंस्ट टारगेट मार्जिन रिक्वायर्ड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न्ड इन केस ऑफ ईच ऑफ द जोनल सेल्स मैनेजर. ओके, अब पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा क्योंकि आपको एक्चुअल कमीशन है. द जोनल सेल्स मैनेजर आर पेड कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द सेल्स मेड बाय देम ड्यूरिंग 2021. द सेल्स कमीशन पेड फॉर ईच जोन इज दिस. तो आपका एक्चुअल कमीशन 3 लाख है विच इज 10% ऑफ सेल्स, तो 30 लाख का सेल रहा होगा. 29 लाख का, 31 लाख का और 24. इसका मतलब ये आपका आ गया एक्चुअल सेल्स. एक्चुअल सेल्स अब आपको दे रखा है. सेल्स का प्राइस वेरियंस 40,000 फेवरेबल, 60,000 एडवर्स, 60,000 एडवर्स, 50,000 एडवर्स एंड 20,000 एडवर्स. इधर सेल्स वॉल्यूम वेरियंस 60,000 आपका एडवर्स है, ये आपका 2,60,000 आपका फेवरेबल है, 1,50,000 आपका फेवरेबल है और 80,000 आपका फेवरेबल है. इसका मतलब 40,000 फेवरेबल, 60,000 एडवर्स, 20,000 एडवर्स हो जाएगा. फ्रेंड्स बोलो 30,20,000, इट मींस आपने सेल सोचा होगा 30,20,000, आपका सेल हुआ 30, आपको लॉस हो गया 20, उसमें से वॉल्यूम की वजह से आपको लॉस हुआ है 60,000 और प्राइस की वजह से आपको गेन हुआ है पॉट, तो मिलके आपका 20. इट मीन 60,000 एडवर्स, 2,60,000 फेवरेबल, 2,000 फेवरेबल, 29 का एक्चुअल सेल्स हुआ है तो आपने क्या सोचा होगा 27 लाख, 1 लाख फेवरेबल, 31 का हुआ है आपने 30 लाख सोचा होगा, 60,000 फेवरेबल, इसका मतलब आपने सोचा होगा 2340 हुआ 24 है तो 60,000 फेवरेबल, 60 फेवरेबल के दो पार्ट हैं 20 एडवर्स एंड 80 फेवरेबल. ये आपका एकदम सिंपल हो गया. दिस इज योर आंसर नंबर ए. आंसर नंबर ए एंड योर पार्ट ए, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है. आंसर नंबर ए एंड दिस इज योर पार्ट ए. आंसर नंबर ए एंड पार्ट ए. सही आंसर. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है दूसरा फ्रेंड, सबसे जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये वाला पार्ट. सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो आपका ये वाला पार्ट. सही है सुना. सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो ये वाला पार्ट है. अब आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स आप जरा देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स नॉट साउथ ईस्ट
बेस्ट बजटेड कंट्रीब्यूशन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बजटेड एक्चुअल ओके बजटेड कंट्रीब्यूशन यू रिफर नोट नंबर ए एंड फॉर दिस यू रिफर नोट नंबर बी. सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ये है. अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक है आपका सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, एक है आपका सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस. मैंने आपको कितनी सारे क्वेश्चंस में बताया है सेल्स का मार्जिन एंड सेल्स प्राइस का मार्जिन, सेल्स प्राइस वेरियंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं. सेल्स का प्राइस वेरियंस और सेल्स मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है. ये तो आपको पता है. इसका मतलब नॉर्थ देन साउथ देन ईस्ट एंड देन वेस्ट. सेल्स मार्जिन का प्राइस वेरियंस हमेशा क्या होते हैं, हमेशा होते हैं सेम. तो सेम ले लेंगे. इट मींस 40,000 फेवरेबल, 60,000 एडवर्स, 50,000 एडवर्स एंड 20,000 एडवर्स. ओके, लेकिन सेल्स का वॉल्यूम और मार्जिन का वॉल्यूम नहीं रहेगा, ओनली सेल्स का प्राइस वेरियंस. सेल्स का प्राइस वेरियंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस सेम होते हैं, बिकॉज इन बोथ द प्लेसेस वी डिडक्ट द बजटेड कॉस्ट, वी डिडक्ट द स्टैंडर्ड कॉस्ट. ओके, प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, राइट. आप मेरा लेक्चर वन से मैं आपको बोलता हुआ आया हूँ, मैं स्टडी पढ़ाना सेल से करता हूँ करके ना. तो आपका नॉर्थ का हो गया 40,000 फेवरेबल, साउथ का हो गया 60,000 एडवर्स, ईस्ट का हो गया और ये वेस्ट का हो गया. सही है, सुनो. ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम के दो पार्ट होते हैं. This is your sales margin volume variance divided into sales margin sub volume variance or सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस. सही है, सुनो. इट मींस आपका नॉर्थ, ये तो सेम ही आ जाएगा आपका, टोटलिटी में आता है अपन जो निकालते हैं, लेकिन ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे. नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. नॉर्थ, नॉर्थ में आपको दे रखा है 140,000 एडवर्स, फिर आपको दे रखा है 80,000 फेवरेबल, फिर आपको दे रखा 170,000 फेवरेबल और फिर आपको दे रखा 30,000. इट मींस आपका मिलके हो जाएगा 140,000 आपका एडवर्स है,
30,000 आपका एडवर्स है, ये दो आपके एडवर्स हैं, 80,000 आपको बचेगा फेवरेबल। सही आंसर 140 एंड 30, 170 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स आपका अब ये आपका आ गया। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? ये आपका सेल्स मार्जिन मिक्स आपको दे ही रखा है, सेल्स मार्जिन मिक्स नॉर्थ का 140,000 एडवर्स, 80,000 फेवरेबल, 80,000 फेवरेबल, 170,000 फेवरेबल, 170,000 फेवरेबल, और वेस्ट का है, वेस्ट का है इस 30,000 एडवर्स, इट मीन्स 80,000 फेवरेबल। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, पहला अपना काम है बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन अपना क्या होगा, नोट नंबर ए, इसका मतलब बजटेड सेल्स है हमारे पास, सेल्स टारगेट फिक्स अपन ने किया था, ये अपने पास बजटेड सेल्स है, 1, 2, 3, 4 बजटेड सेल्स है, और अपने पास बजटेड कॉस्ट भी है, बजटेड कॉस्ट भी है, इसका मतलब अपने को बजटेड आ जाएगा, इट मींस दिस इज योर नोट नंबर ए, ये आपका क्या हो जाएगा नोट नंबर ए, इट मींस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मैं बजटेड सेल्स लूं जो फिक्स्ड हुआ है माइनस बजटेड कॉस्ट करूं तो मुझे बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा, द कॉस्ट ऑफ द सेल्स टारगेट फिक्स्ड, जो सेल्स मैंने की है उसका कॉस्ट मेरे को क्या दे रखा है, उसका कॉस्ट दे रखा है 25 लाख, मुझे दे रखा है 22 लाख, मुझे दे रखा है 26,50,000 एंड 20 लाख। सही है सर, ये मेरे पास आ गया बजटेड कॉस्ट 25 लाख, 22 लाख, 26 लाख, 50,000 एंड 20 लाख। वो साउथ लास्ट में जो है वो प्रिंटिंग एरर है, तो आप उसको सही कर लेना है ना। अब आप आ जाइए बजटेड सेल्स, ये था बजटेड सेल्स क्या था, 30 लाख, 20,000 एंड 27 लाख, 30 लाख, 20,000 एंड 27 लाख, 30 लाख 20,000, अभी तो 20,000 एडवर्स आ रहा है, 27 लाख, 30 लाख एंड 23,40, 30 लाख एंड 23,40 एंड 23,40, 30 एंड 27 लाख, 30 20, 27 लाख एंड 30 एंड 23,40, 30 एंड 20। ओके, इट मीन्स ये मेरा आ जाएगा 5,20,000, ये मेरा आ जाएगा 5 लाख रुपीस, ये मेरा आ जाएगा 30 minus 26.5 is 3,50,000, 23,40 minus 3,40,000। कंसेप्चुअल एक एक चीज को आप समझो, नो फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना है। आप मुस्कराइए, यू आर इन दानी की कॉस्टिंग, जब तक समुंदर में पानी रहेगा कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी रहेगा, जैसे मोम की बम होती है नानी,
लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी, राइट, दानी की कॉस्टिंग। ये आपको बजटेड सेल्स अपन ने निकाला था, बजटेड कॉस्ट आपको दे रखा है, ये आपका आ जाएगा बजटेड प्रॉफिट। सही है, सुनो फ्रेंड्स, 2340 माइनस 2340, 30 माइनस 26 इज 350, 27 5 लाख एंड 5,20,000। सही है, सुनो, अब आप आ जाइए, इट 520 एंड 5 लाख, 520 एंड 5 लाख, 520 एंड 5 लाख, 350 एंड 340, 350 एंड 340, 350 एंड 340। वेरी वेरी लेंथी पेपर, वेरी वेरी लेंथी, आप मुझे बताइए 5 मार्क्स के लिए मर जाएगा बच्चा करते करते करके ना, मर जाएगा, जान निकल जाएगी करके ना, तो भी वो नहीं कर पाएगा करके। आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं करके, बच्चे का क्या टेस्ट करना है, ऐसे क्वेश्चंस बनाइए कि हिल जाए स्टूडेंट, ये क्या कि वो डिप्रेशन में चला जाए कि पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये क्या बात हुई आपकी। अरे आप मिसिंग फिगर देखे, आप एक ही क्वेश्चन में आप पूरा जज कर सकते हो पूरा कॉस्टिंग उसको आता है कि नहीं आता है, ये क्या है इतना लेंदी क्वेश्चन आप दे देते हो, बच्चा डिप्रेशन में जाता है, उसको लगता है यार मैं कैपेबल ही नहीं हूँ क्या करके। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ फ्रेंड्स आपका आता है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं आपको कितनी बार समझाया है, इजे एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, इजे एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, नोट नंबर बी, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर बी। अब अपन को चाहिए एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। भैया ऐसा है, या तो अब इंस्टीट्यूट करने वाला है या बाकी के जो प्रोफेसर लोग करते कि भाई इसको एज्यूम कर लो जीरो, नहीं तो इसको एज्यूम कर लो जीरो, इसको एज्यूम किया तो ये आ जाएगा, और इसको, अरे यार ऐसे कैसे एज्यूम करेगा, ऐसे कैसे एज्यूम करेगा, कोई कोई प्रोफेसर आपको कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है ना, आप ऐसा करो, इसको आप एज्यूम कर लो जीरो, इसको इसको आप कर लो एज्यूम जीरो, दिस प्लस दिस आपका ये आ जाएगा, इससे आपका ये आ जाएगा, और इससे, अरे यार ऐसे कैसे करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में एज्यूम जीरो करना है, तो ये क्या कोई लॉजिक है क्या कि जीरो करना है आपको करके, ये क्या कोई लॉजिक है क्या आपका, आप ऐसे इसको कैसे जीरो एज्यूम कर सकते हैं। सारे प्रोफेसर आपको, इवन इंस्टीट्यूट का भी सजेस्टेड आंसर आप देखोगे ना, वो कुछ ऐसे ही अतरंगा करेंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि यार ये लॉजिक क्या है करके, ऐसे कैसे आप एज्यूम करोगे, आप बोलोगे नहीं यार इसको एज्यूम कर लो जीरो, और एज्यूम कर लिया जीरो, इससे ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा, और हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आ जाओ डिबेट करते, आ जाओ, ये दानगी कॉस्टिंग है, आ जाओ आप बैठो बच्चों। अगर आपको लगता है, मैंने आज तक आपको कभी नहीं बोला है कि मेरे वीडियो को आप फॉरवर्ड करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो पर कमेंट करना, लेकिन हाँ अब मेरा ये चैलेंज है, मेरे बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, राइट। मैं हट गया था कॉस्टिंग के फ्यूचर, लेकिन मैं वापस आ जाना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से पूछोगे, मेरे बच्चों को इस तरह से हैरान करोगे, तो मैं वापस आऊँगा करके, मैं वापस से रिकॉर्ड करूँगा कॉस्टिंग के लेक्चर, वापस से इंटर में रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, मैं वापस से इंटर में एफएम पढ़ाऊंगा करके, आ जाओ चलो, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है बच्चों का है, मैं गलत नहीं बोल सकता आप लोगों से, आप लॉजिक से चाहिए। देखिए अब आप आ जाइए एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स, यहां पे आप आ जाइए, राइट, यहां पे पूरा ध्यान दीजिए आप, एक्चुअल
एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योर एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल टू आपका होगा एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, एक्चुअल सेल्स बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल टू योर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू एक्चुअल सेल्स बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर नोट नंबर बी। आप देखो बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स बिकॉज योर प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर से वन, या यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाइए आप, दिस इज माई एग्जाम्पल, ये वाले पार्ट पे आप पूरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर वन, ये मेरा चैलेंज का पॉइंट है, बुला के लाओ कॉस्टिंग के धुरंधर को, उन्हें मेरे सामने डिबेट करवाओ, आप इंस्टीट्यूट वालों को लेके आओ, सामने करेंगे डिबेट, फिर आप लाइक करना, फिर आप वीडियो फॉरवर्ड करना, फिर आप जय जयकार करना, करके डिबेट तो कराओ, मेरी आने तो दो, मेरे सामने तो आने दो। देखो मेरे पास जैसे सपोज आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर हैं, आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर हैं, ये फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस किसने दिया है, मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया है कि सर आपका जो कंसेप्ट है, जब आपने नाम रख दिया दानी की कॉस्टिंग, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, इंडिया के किसी प्रोफेसर के नाम पर डेफिनेशन भी नहीं है। मुझे बड़ा तकलीफ होता था जब कोई बोलता था एज पर प्रोफेसर एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एज पर प्रोफेसर एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, लेकिन हमारे इंडियन के नाम पे, हमारे इंडियन के नाम पे सोनू जैन के नाम पे कोई डेफिनेशन नहीं, प्रोफेसर सोनू जैन के नाम से कोई डेफिनेशन नहीं। मैं, मेरे को तब से ही लग गया था मन कि साला ये फॉरेनर लोग क्या है डेफिनेशन अपने नाम पे करते हैं, मैं पूरा सब्जेक्ट अपने नाम पे करूँगा, मैंने पूरा रजिस्टर्ड भी करा लिया उसको दानगी कौशिक, चलो साले लोग तुम लोग के नाम पे डेफिनेशन है, मेरे नाम पे पूरा सब्जेक्ट है, सही है, मारो लाइक अभी प्रॉफिट मैनेजर। मैंने आपको बोला भैया मेरा ना एक प्रोडक्ट आपको सेल करना है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा प्रोडक्ट आपको एक सेल करना है, सपोज S1, उसके यूनिट्स आपको सेल करने हैं, सपोज 1000 मेरा सेलिंग प्राइस आ रहा है, सपोज 100 मेरा कॉस्ट आ रहा है, सपोज 80 तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 20, और आपको टोटल प्रॉफिट कमा के देना है, मुझे टोटल प्रॉफिट कमा के देना है 20,000। आपने क्या बोला सर, S1 1000 यूनिट आपको, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, आपको टोटल प्रॉफिट कमा के देना है 20,000। S1 सेल यूनिट्स 1000, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, और टोटल प्रॉफिट कमा के देना है 20,000। सही है सुनो, आपने क्या किया, एक्चुअल में आपने सेल किया, ये आपने एक्चुअल सेल्स किया, एक्चुअल में आपने, ये मैंने आपको बजट बना के दिया था, ये आपको बजट दिया था, ये आपको टारगेट, इसकी लैंग्वेज में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैंने आपको टारगेट दिया था, और आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर। आपने S1 सेल की, 1000 यूनिट सेल की, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट बढ़ के हो गया 90, प्रॉफिट इज 10 एंड प्रॉफिट आ रहा है 10,000। ये आपके एक्चुअल P&L अकाउंट है, एक्चुअल रिजल्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैंने आपको क्या बोला था कि आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर हैं, मैंने आपको बोला एक प्रोडक्ट है बी S1,
आपको यूनिट सेल करनी है 1000, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80 है, प्रॉफिट कमा के देना है 20, टोटल प्रॉफिट कमा के देना है 20,000, यहाँ पर टारगेट है। आपने एक्चुअल में सेल्स किया S1 1000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 90, प्रॉफिट 10, एंड आपने प्रॉफिट मुझे कमा के दिया 1000 × 10, 10,000। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपकी वजह से ना 10,000 का लॉस हो गया, आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया, आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया, आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया, क्या आप मानेंगे? आप क्या बोलेंगे मुझे? आप मेरे प्रॉफिट मैनेजर, आप बोलोगे सर आपने बोला था S1, मैंने S1 सेल किया, आपने 1000 यूनिट बोला, मैंने 1000 यूनिट सेल किया, आपने सेलिंग प्राइस 100 बोला, मैंने 100 में सेल किया। अब अगर कॉस्ट 80 की जगह 90 हो जाता है, तो क्या मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूं? आपने क्या बोला था? प्रोडक्ट सेल करना है S1, मैंने क्या सेल किया? S1। आपने यूनिट बोले 1000, मैंने कितने यूनिट बेचे? 1000। आपने सेलिंग प्राइस बोला 100, मैंने कितने में बेचा? 100। अब कॉस्ट 80 की जगह 90 हो जाता है तो क्या मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ? आई एम ए प्रॉफिट मैनेजर, आंसर इज नो। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदार होगा आपका प्रोडक्शन मैनेजर। इसका मतलब अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो यू टेक S1, टेक 1000, टेक 100 माइनस द बजटेड कॉस्ट। इट मीन्स एक्चुअल सेल्स इक्वल टू बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स। व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट? 80। दिस इज 20 एंड दिस इज 20,000। तो प्रॉफिट मैनेजर की वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने 20 बोला था, उसने 20 ही कमा के दिया। आपको जो लॉस हो रहा है दैट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको जो हो रहा है वो लॉस किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। सही है सर? सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स। बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स, ये आपको क्लियर हुआ? बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट। मैं वापस से लिख देता हूं। इट मीन्स दिस इज योर नोट नंबर बी। दिस इज योर एक्चुअल सेल्स, ये बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल टू आपका एक्चुअल प्रॉफिट। आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, इट मींस नॉर्थ देन साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स तो हम लोगों ने निकाला था। व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स निकाला था ना फ्रेंड्स अपन ने। एक्चुअल सेल्स 30 लैक्स, 29 लैक्स, 31 लैक्स एंड 24 लैक्स। एक्चुअल सेल्स निकाला था ना अपन ने। इट मींस 30 लैक्स एक्चुअल सेल्स, 30 लैक्स एक्चुअल सेल्स, 29 लैक्स एक्चुअल सेल्स, 31 लैक्स एंड एक्चुअल सेल्स 24 लैक्स। 10% कमीशन और कमीशन अपन को दे रखा उससे निकाला। 30 लैक्स, 29 लैक्स, ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल सेल्स। सही है ये। अब इसके लिए आपको, ये मेरा सबसे सिखाने का मेन पॉइंट है, इसके ऊपर मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ किसी भी फैकल्टी को, किसी भी मेंबर को, कोई भी दुनिया में आके मेरे से ये अगर इस पॉइंट पे अगर कोई डिस्कस करेगा तो आई विल बी द मोर देन हैप्पी पर्सन। आप लेके आइए और हम डिस्कस करेंगे करके। सही है, सुनो।
बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स, ये मेरा सबसे, यहां से मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा ओपन चैलेंज का पॉइंट है कि बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स कैसे निकालेंगे। बजटेड सेल्स, बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। अगर अगर ये हो गया, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई इसको जीरो एज्यूम करो, तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। वो तो कोई लॉजिक का नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो एकदम लॉजिकली सिखा रहा हूँ आपको चीज। वो आप जरा देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल प्रॉफिट या इसको आप बोल दीजिए एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा कि एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर। ये एग्जांपल आप बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअल सेल्स इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बजट। अब जरा ध्यान देना, देखो दिस इज योर नोट नंबर छोटू ए, ये बी के लिए हम बना रहे हैं नोट नंबर छोटू ए। ये आपका नोट नंबर छोटू, देखो मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ नोट नंबर। इट मींस योर बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स। सपोज अगर आपका सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज एंड मेरा कॉस्ट आ रहा है 80 रुपीज। मैंने आपको बोला कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज और मेरा कॉस्ट आ रहा है 80 रुपीज। मेरा सेलिंग प्राइस क्या है 100, और आपने क्या किया, एक्चुअल में सेल्स किया 2 पेंस का और 120 में सेल कर दिया। इसका मतलब सेल्स हो गया 240। अब मुझे 240 के लिए कॉस्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है, उसका कॉस्ट है 80 रुपीज। ये सेम 100 वाला पेन आपने कितने में सेल कर दिया, 120 में। ये 100 वाला सेल आपने कितने में कर दिया, 120 में। सेम पेन जो 100 में सेल होने वाला था वो 120 में, तो 240 है। तो 240 के लिए कॉस्ट क्या निकलेगा, तो नॉर्मल प्रोफेसर का स्टूडेंट, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल प्रोफेसर का स्टूडेंट क्या बोलेगा, 80 इज द कॉस्ट फॉर 100, देन हाउ मच इज 240। इट मींस 80 इज द कॉस्ट फॉर 100, 80 इज द कॉस्ट फॉर 100, तो 240 का क्या आएगा, 192, विच इज एब्सोल्युटली। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपए का एक पेन है, ध्यान से सुनिए, मैं खाली आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। 100 रुपए का पेन है और उसका 80 रुपीज कॉस्ट, 100 रुपए का पेन है उसका 80 रुपीज कॉस्ट है, ऑलराइट। सो आई रिपीट, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, मेरा कॉस्ट है 80 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, मेरा कॉस्ट है 80 रुपीज, मैंने एक्चुअल सेल्स किया, मीन्स 2 पेन सेल कर दिए 120 में, सेल करने थे 100 में लेकिन मैंने सेल कर दिया 120, इट मीन्स 240 का सेल हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज माय कॉस्ट, इट मीन्स 80 इज द कॉस्ट व्हेन द सेल इज 100, देन 240 के लिए कितना होगा, क्या ये आंसर करेक्ट है, 192 आंसर करेक्ट है क्या, आंसर इज नो। खाली आपका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट तो क्या रहेगा, इट मीन्स आपका जो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 80 प्लस 80। आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, 80 प्लस 80, क्योंकि आपने 2 पेन सेल किए और वेरिएबल कॉस्ट में देर इज नो चेंज। इट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा 160, नॉट 192। आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, 160 एंड नॉट 192। इट मीन्स आई कैन से कि मेरा जो सेल्स है, मेरा सेल्स है 240, इसके अंदर देर इज ए सेल्स प्राइस वेरियंस कितना है, 40, विच इज फेवरेबल। बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा जो सेल है 240 का सेल हुआ है, इसके अंदर प्राइस वेरियंस है, ये सेल कितने में होना चाहिए था, 200 में, हुआ कितने में, क्योंकि 20 रुपीज एक पेन पे ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए 40 का प्राइस वेरियंस है।
जो 240 का जो सेल है दैट इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस 40 फेवरेबल, तो मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दिस सेल्स क्या आएगा 200. इट मींस 80 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ 100, देन व्हाट इज फॉर 200 एंड दिस कम्स टू 160. दिस इज द अनदर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? 240 का जो सेल है, 240 का जो सेल है दैट इंक्लूड्स सेल्स प्राइस वेरियंस, कितना सेल्स प्राइस वेरियंस इंक्लूड है 40 रुपीज. इट मीन इसका नॉर्मल सेल्स वैल्यू कितना लेके गएगा 200. नाउ 80 इज द कॉस्ट फॉर द सेल ऑफ 100, देन व्हाट अबाउट फॉर 200? 200 के लिए आपका कितना हो जाएगा 160. सही सुनो, ये चैलेंज वाला पार्ट है. ये मेरा चैलेंज वाला पार्ट है कि ये पॉइंट आप किसी के साथ भी मेरा डिबेट करा दीजिए. आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको क्लियर हो रहा है ये पॉइंट कि नहीं हो रहा है? मेरा काम है आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है. 100 रुपए का पेन था, रिपीट, 100 रुपए का पेन था, 100 रुपए का सेलिंग प्राइस था पेन का, उसका कॉस्ट 80 था. सेम पेन दो मैंने सेल किया 120 में, 240. क्या मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ 80 इज फॉर 100, 240 के लिए हाउ मच 192? आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर आपका सेल्स का प्राइस वेरियंस है विच इज फेवरेबल. ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है. सही है, सुनो फ्रेंड्स. ओके, अब आप जरा देखिए कि व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स. इट मींस दिस इज योर, ये आपका निकलेगा फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर छोटू ए कर लीजिए आप इसको. दिस इज योर नोट नंबर छोटू ए. इट मींस नोट नंबर छोटू ए, व्हाट आर वी टॉकिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ सेल्स. नॉर्थ का सेल्स है, नॉर्थ का सेल्स है इज 30 लैक्स. नॉर्थ का एक्चुअल सेल्स है 30 लैक्स. दिस इज द एक्चुअल सेल्स. अब एक्चुअल सेल्स में आप देखिए, दे दीजिए सेल्स प्राइस वेरियंस, दे दीजिए सेल्स प्राइस वेरियंस, दे दीजिए सेल्स प्राइस वेरियंस. आपका सेल्स प्राइस वेरियंस आपको क्या दे रखा है 40,000 फेवरेबल. इसका मतलब इस सेल्स का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या था? इट मींस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल्स. इसका एक्चुअल सेल्स इट मींस 29,40,000. आपको जो कॉस्ट लगेगा, वो कितने पे लगेगा 29 लाख. फॉर एक्चुअल सेल्स आपका 30 में हुआ, ये सेल्स कितने में होना चाहिए था 29,40 में, बिकॉज 29,60 में आपका ये सेल होना चाहिए था. 40,000 प्राइस वेरियंस है, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स आपका रहेगा 29,60,000. ये 29,60 का सेल होना चाहिए था, आपने कितने में किया है 30 में किया है, इसके लिए दे दीजिए प्राइस वेरियंस. एंड अब आप आ जाइए, आपका 25 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ सेल्स था. अब आपका स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू देखो जरा, आपका स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू क्या था? आपका स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू है आपका 30,20,000. इट मींस 30,20,000. सो 30,20,000 के लिए आपका स्टैंडर्ड सेल्स के लिए कॉस्ट था 25 लाख. 25 लाख डिवाइडेड बाई 30,20,000 इंटू 29,60,000 आपका आएगा 24,50,331. सही है, सुनो फ्रेंड्स, आपका एक्चुअल सेल्स
आपका एक्चुअल सेल्स कितना है बोलो, आपका एक्चुअल सेल्स है, आपका एक्चुअल सेल्स कितना है बोलो, आपका एक्चुअल सेल्स 30 लाख। और आप बोलो कि दे दीजिए प्राइस वेरियंस विच इज 40,000 फेवरेबल, इसका मतलब इसका बजटेड प्राइस मीन्स इसका जो वैल्यू जो हमने सोचा था, जो हमने सोचा था उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 29,60,000। सो 25 लैक्स आपका था व्हेन 25 लैक्स आपका था आपका बजटेड सेल्स कितना था 30,20,000। तो आपका 24,50,331 इट मीन्स 30 लैक्स माइनस 24,50,331 इज 549669। सही है, ये आपका बजटेड आपका आ जाएगा, ये 24,50,331 आपका एक्चुअल प्रॉफिट किया गया 549669। साउथ में आप कर लीजिए, इट मीन्स दिस इज योर साउथ, साउथ का व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स, साउथ का व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स ऑफ साउथ इज 29 लैक्स। दिस इंक्लूड्स दे दीजिए सेल्स, सेल्स प्राइस वेरियंस, sales price variance आपको दे रखा 60,000 एडवर्स। इसका मतलब ये जो मेरा सेल्स है वो कितने में होना चाहिए था, इट मींस स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स एंड दैट एक्चुअल सेल इज 29,60,000। ये सेल कितने में होना चाहिए था, 29,60, हुआ कितने में, 29, तभी तो मेरे को 60 का लॉस आ रहा है ना। अब आप मुझे बताइए कि एक पेन है उसका सेलिंग प्राइस 100 है बराबर, और उसका कॉस्ट आता है 80। अब ये पेन मैंने 90 में सेल कर दिया तो कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट कितना आएगा, अरे भैया दिस 90 इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस Which is 10 adverse. इसका मतलब इसका नॉर्मल सेल्स वैल्यू क्या आएगा 100, तो कॉस्ट क्या आएगा 80 फॉर 100, तो 100 के लिए कितना आपका कॉस्ट, तो 80 रुपीज ही आएगा। ये क्लियर हुआ, इसके लिए हाई कंसेप्ट चाहिए फ्रेंड्स, हाई कंसेप्ट। इसके लिए मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ कि लाइए आप, बिठाइए मेरे सामने और हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके सोल्यूशन पर फॉर बवाल होने वाला है। इंस्टीट्यूट भी हो सकता है एज्यूम कर ले 0 सेल्स सब वॉल्यूम, अरे ऐसे कैसे, या तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया आपने एज्यूम करके, तो एज्यूम करके आप लिख दोगे कुछ भी तो आप हमको कैसे पता चलेगा किसको क्या 0 एज्यूम करने का, ऐसे कैसे 0 एज्यूम कर सकते हैं। अरे वेरियंस है इसमें, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं ना कि वेरियंस है, फिर हाउ कैन यू यूज द 0 करके, ओके 29,60। अब आप आ जाइए, अब इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए, इसका मतलब साउथ की आपकी कॉस्ट है 22 लैक्स। अब आप देखिए इसका बजटेड सेल्स क्या था, बजटेड सेल्स आपका था इज 27 लैक्स, बजटेड सेल्स आपका था 27 लैक्स। 27 लैक्स के लिए आपका कॉस्ट था 22 लैक्स, 22 / 27 × 29,60,000 इज 24,11,851। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चाहे आपने सेल 29 लाख में किया है, 60 का आपने कम में किया, लेकिन कॉस्ट आपको कितने पे लगेगा, 29
60 के ऊपर, तो 24/11/851. आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? बोलो आपका एक्चुअल सेल्स, आपका एक्चुअल सेल्स हुआ है 29 लाख में, आपका एक्चुअल सेल्स हुआ है 29 लाख रुपीज में, सही है सुनो फ्रेंड, ओके, और आपका एक्चुअल सेल्स हुआ है 29 में, ओके, इट मींस 2 लाख रुपीज आपने फेवरेबल किया है टोटल सेल्स, ओके, 24/11/851, तो दिस इज योर 24/11/851, 24/11/851 minus 29 lakhs is 4,88,149. 29 lakhs minus 24/11/851, 488,149. Are you following or not, friends? अब आप आगे का आप बताइए भाई, कंसेप्चुअली आपके दिमाग में, मेरे को कंसेप्ट ही बिठाना है आपका ना, साउथ देन ईस्ट, ईस्ट ईस्ट का व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स, व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स ऑफ ईस्ट, एक्चुअल सेल्स ऑफ ईस्ट इज 31 लाख, एक्चुअल सेल्स इज 31 लाख, दिस इज योर एक्चुअल सेल्स, लेकिन इस सेल्स में देर इज ए प्राइस वेरियंस, प्राइस वेरियंस, प्राइस वेरियंस, देर इज ए प्राइस वेरियंस, प्राइस वेरियंस आपको क्या दे रखा है, आपको प्राइस वेरियंस दे रखा है 50,000 एडवर्स, आपको एक्चुअल में पैसा मिला 31, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, इट मींस दिस इज स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स फॉर एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स या स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स, इट मीन्स 31,50,000, 31,50,000, ये जो सेल आपका होना चाहिए था वो 31,50 में होना चाहिए था। अब देखिए आप जरा, कॉस्ट आपका क्या था, 26,50, आपका कॉस्ट क्या था 26,50, उस टाइम पे आपने बजट कितना किया था सेल्स, आपने सेल्स को बजट किया था, आपने सेल्स बजटेड सेल्स किया था इस 30 लाख, आपने बजटेड सेल्स किया था 30 लाख, आपने बजटेड सेल्स किया था 30 लाख, आपने बजटेड सेल्स किया था 30, तभी 31 आ रहा है 1 लाख का आपका, इट मीन्स 26,50 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 31,50, 27,82,500, 27,82,500, 26,50 इज द कॉस्ट व्हेन द सेल इज, दिस इज योर बजटेड कॉस्ट फॉर बजटेड सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स के लिए 27,82,500 इसको माइनस कर दो, इट मींस योर 27,82,500 माइनस 31 लाख इज 317,500, 31 लाख माइनस 27,82,500 is 317,500. Are you following or not? बताइए. Perfectly clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक-एक concept. अब आ जाइए last आपका. West का sales. It means this is your West का sales. West का what is the actual sales? West का what is the actual sales is 24 lakhs, this includes price variance, this includes price variance which is 20,000, which is 20,000 adverse, which is 20,000 adverse, iska matlab
द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल सेल्स, दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एक्चुअल सेल्स इज 24,20,000। अब आप कॉस्ट निकाल लीजिए, 24 लाख का आपका, अब आप कॉस्ट निकाल लीजिए फ्रेंड्स, आपका कॉस्ट था 20 लैक्स, 20 लैक्स व्हेन द 20 लैक्स व्हेन द बजटेड सेल्स वाज 23,40,000। आपका बजटेड सेल्स क्या था? 23,40,000। ओके, सो 20 लाख इज फॉर 23,40,000 इंटू 24,20,000 इज 2,068,376। 24 लाख का आपका एक्चुअल सेल्स है, प्राइस वेरियंस है, इसका मतलब कॉस्ट आपको लगेगा 2420 के ऊपर, कॉस्ट आपको लगेगा 2420 के ऊपर। मुझे कंसेप्ट आपको सिखाना है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रैंकिंग वाला पार्ट आप खुद से कर लेना करके ना, क्योंकि रैंकिंग में भी लोचा आएगा अगर इंस्टीट्यूट ने भी जीरो एज्यूम कर लिया सेल्स वो सब वॉल्यूम, तो पूरा चेंज हो जाएगा आंसर आपका। लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए, ये इसके लिए चाहे आईसीआई का कोई मेंबर है, कोई काउंसिल बॉडी है, या कोई अपना कोई प्रोफेसर है, कोई भी दुनिया में मेरे साथ डिस्कस करना चाहे, आप इस सॉल्यूशन पे इज ए ओपन चैलेंज, आप आइए वी विल डिस्कस करके ना, आप मुझे फेल करके बताइए। इट मीन्स 24 लाख माइनस 24 लाख इज 331,624। परफेक्टली क्लियर हो? बताइए, सही है? सुनो, अब आप ले लीजिए, अगर आपको ये कंप्लीट करना है, ये तो ऐसे तो आंसर यही आ गया, फाइनल आंसर आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर आपको चार्ट भी कंप्लीट करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। 549669 देन 488149 317500 331624 It means 5,20,000 minus 549669 is favorable.
488, it means 5 lakhs minus 488149, 11,851 adverse, then 3,50,000 minus 317,500 is 32,500 adverse, 3,40,000 minus 331,624 is 8,376 adverse. सबका टोटल हो जाएगा 29,669 माइनस 11,851 माइनस 32,500 माइनस 8,376 23,058 एडवर्स. ये सबका टोटल हो जाएगा 60 प्लस 50 प्लस 20 एडवर्स माइनस 40 फेवरेबल मीन्स 90,000 एडवर्स इनका आ जाएगा फ्रेंड्स 29,669 फेवरेबल 40,000 फेवरेबल 40,000 29,669 इज 10,331 एडवर्स. ओके देन साउथ का 60,000 माइनस 11,851 48,149 इज फेवरेबल 32,500 माइनस 50,000 17,500 फेवरेबल then 20,000 minus 8,376 11,624 favorable 10,331 minus 48,149 minus 17,500 minus 11,624 66,942 favorable and 90,000 adverse 23,058. इस तरह से अराइव्ड होगा ये, ना कि आप जीरो एज्यूम करके और उसको एकदम. दिस इज अ लॉजिकल आंसर. इसके ऊपर आई एम रेडी टू डिबेट विद एवरीवन वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में, इंडिया में. कोई भी प्रोफेसर, कोई भी आदमी, कोई कॉस्टिंग का धुरंधर आके ये मेरे सॉल्यूशन को चैलेंज कर दे, आई एम ओपन चैलेंज करके ना फ्रेंड्स. अब आप आ जाइए, ये आपका आ गया 66,942 80,000 माइनस 66,942 सब वॉल्यूम आपका आएगा 13,058 एडवर्स. तो आप और 80,000 फेवरेबल. बड़ा तकलीफ होता है जब मतलब इस तरह के प्रोफेसर बात करते हैं. कॉस्टिंग में ना अमेंडमेंट आए, अरे भाई कॉस्टिंग क्या इनकम टैक्स है, क्या डायरेक्ट टैक्स है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या लॉ है, अमेंडमेंट कहाँ से आएंगे? आप बोलते हो ना न्यू क्वेश्चंस ऐड किए इंस्टीट्यूट ने, हमारी बुक से पेपर आया. अरे तेरी बुक से कहाँ से आ गया? जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वही तो आपने अपनी बुक में लिया है. तो आप ऐसे कैसे बोलते हो आपकी बुक से पेपर आ गया पूरा करके? अमेंडमेंट आया कॉस्टिंग में. अरे जब से दुनिया शुरू हुई है सेलिंग प्राइस वही है, कॉन्ट्रीब्यूशन वही है, वेरिएबल कॉस्ट वही है. कैसे आप बोलते हो? क्यों बच्चों को गुमराह करते हो? अरे जब केस स्टडी थ्योरी इतने अच्छे से आप लोगों ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है तो हम क्यों उसको थ्योरी को फिर कवर करें और बच्चों का कॉस्ट बढ़ाएं? सबसे चीपेस्ट कोर्स, सबसे पहला यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देने वाला इसे दानी खंडेलवाल,
अब आपका चैलेंज है ना, चलो आ जाओ अगस्त में, पढ़ाते हैं हम भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप भी कर लो, चलो। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये सिखाओ बच्चों को, ओपन चैलेंज है, कोई भी फॉरम पे आके बैठो डिस्कस करो करके, फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन अगर आपका ये आंसर मैच करता है तो फिर आपको आगे सेकेंड पार्ट में आपको खाली रैंकिंग देना है। लेकिन इसमें वापस मैं यही बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट भी शायद जैसे प्रोफेसर करते हैं वैसे एज्यूम कर लेगा, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी है, जीरो एज्यूम करके आंसर निकाल देगा, तो फिर उसके हिसाब से। लेकिन ये मेरा ओपन चैलेंज है कि इस सॉल्यूशन को कोई गलत करके बता दे, सॉल्यूशन यही होगा। अब आप कुछ भी अपना प्रिंट करिए, कहीं पे भी करिए, दैट इज नॉट, बट इट्स माय ओपन चैलेंज, आप आ जाइए मेरे से डिस्कस करिए करके। अगर मेरा कंसेप्ट चलिए क्वेश्चन सही नहीं है तो आप जो बोलेंगे वो करके ना, आई एम रेडी टू सरेंडर माय डिग्री अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट चल, अगर ये क्वेश्चन सही नहीं है। सही है, सुनो फ्रेंड्स, ओके। तो सेकंड पार्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, फिर तो आपका यही एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बताना है, क्या क्या आपको बताना है, कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न बाय द टू द कंपनी, आपने सोचा था क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न किया, अचीवमेंट टू द सेल्स टारगेट, आपको क्या टारगेट दिया गया था, क्या आपने लिया, सेल्स मार्जिन अचीव्ड अगेंस्ट द टारगेट मार्जिन, बजटेड क्या था, एक्चुअल मार्जिन आपका क्या था, और आपने अर्न किया है कि नहीं किया है, वो सब इसके ऊपर ही बेस करेगा। तो आप जरा सजेस्टेड से वेरीफाई कर लेना, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होगा ऐसे ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई लगता है, ओके, कॉस्टिंग में कभी कोई अमेंडमेंट नहीं होता, आप किसी की बात को में मत आइए, ओके, अमेंडमेंट आया ताकि उनके न्यू रिकॉर्डिंग, अरे भाई जब से दुनिया बनी है तब से कॉस्टिंग वही है, हम बच्चों को लूटना नहीं चाहते, हम बच्चों को ज़्यादा, हमारे पास क्या है, जो बहुत ही गरीब बच्चे भी हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत ही मिडिल क्लास बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको पैसा ऐंठने के लिए हम नहीं कर सकते, मेरे पास जो भी कुछ है वो भगवान स्टूडेंट्स की वजह से, वो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था मैंने सॉल्व करके दे दिया। ओके, शो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।